तो आप सभी ने सुना होगा अपने घर वालों से या बड़ों से कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए। हाँ, जो पहला झूठ था उसको छुपाने के लिए। तो हाँ, इसी डायलॉग को एलेबरेट करते हुए एक मूवी बनी है, तो चलो उसका रिव्यू करते हैं। मूवी का नाम है राजा राजा चोरा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लीड है वो चोर है, इसीलिए राजा राजा चोरा नाम रखा है, क्योंकि वो इनिशियली चोर ही होता है और वो माला माल होना चाहता है उस पैसे से, समझ रहे हो। और मूवी में 21 मिनट के बाद जो ट्विस्ट मिलता है ना, शुरुआत के 21 मिनट तो मैं एक लाइव दिखाई जिसमें बंदा फोर्स कर रहा है अपने आप को चोरी करने के लिए ताकि वो अपने पार्टनर की लाइफ अच्छी कर सके, ठीक है। दोनों लोग मिलजुल के एक घर खरीदना चाहते हैं, बट जो ट्विस्ट फेंका जाता है 21वें मिनट पे कि जी ये तो इसका अफेयर चल रहा था, जो ये लड़की है वो अफेयर के बाद जो लड़की है वो है, इसकी शादी हो चुकी है, बेटा भी है, बेटा 5 साल का है। सोचो कितना ही खिलाड़ी आदमी, चोर है, झूठा है, एक नंबर का। और तुम सोच के देखोगे 5 साल का बच्चा है, उसको अगर पता चलेगा कि उसके बाप का अफेयर है, क्या ही ट्रॉमा होगा बच्चे को बचपन में। देखो इस मूवी की शुरू, तो देखो शुरुआत में जैसे मैंने तुम्हें बताया चीटिंग होती है और तब बुरा लगता है, बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो तुम्हें ना थोड़ा वो सेटलिंग वाइब दे देती है, क्योंकि मूवी टर्न करती है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे यू टर्न लेना चालू करती है मूवी, और फिर पता चलता है कि लॉन्डे को पता चल रहा है कि उसकी बीवी भी बेकार नहीं है। वो किस रीजन्स की वजह से पता चलता है, ऑब्वियसली राजा राजा चोरा, चोरी की वजह से। तो मूवी में एक सीन है, जो ये चोर है वो जिस घर में चोरी कर चुका है उसी का मालिक उसको गाड़ी में बैठा के अपना घर दिखाने जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर भी है साथ साथ में। वो सीन देखने में इतना हिलेरियस है, उसके बाद वो सीधा कॉल आता है उसको मालिक को कि पुलिस स्टेशन से आपकी जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट लिखवाने आ जाओ, हमने कुछ प्रोसीडिंग्स की हैं आपको बताने के लिए, आ जाओ आप पुलिस से। वो ही गाड़ी मोड़ता है और जो चोर है अपना वो उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, फिर वो निकल के जल्दी जाता है कहीं और अपनी शॉप पे काम करने जाता है, वहाँ पे भी धर लिया जाता है क्योंकि कॉलेज के जो पेपर हैं वो ब्लैक में बेचता था। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अगर तुम कितने भी फंस जाओ तो तुम्हें एक चांस लाइफ देती है कि अब छोड़ दे, अभी ना तेरे को किसी ने पकड़ा ना कुछ हुआ है, तू एक चांस मैं तेरे को दे रही हूँ कि अब तू छोड़ सकता है तो छोड़ दे, बट इसके बाद जो होगा वो मेरे बस की नहीं है। वो वाली चीज़ दिखाई जाती है मूवी में कि ऐसा होता है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था बच्चे को ट्रॉमा हो जाता, तो ट्रॉमा उसने अपने ही बाप को दे दिया, मतलब उसने ही पकड़वा दिया। कैसे, वो खिलौने की शॉप में गए होते हैं और उसी शॉप में वो जिसके साथ उसके बाप का अफेयर चल रहा था वो उसमें काम करती थी, और उसने उसके बाप को बता रखा था कि मैं एक टेक कंपनी में काम करती हूँ। सोचो दोनों तरफ से कटा है, लड़की को पता चल गया कि इसका बेटा भी है और उसको पता चला कि ये तो कहीं नहीं काम करती, मैं तो इसके भरोसे बैठा था, ये मेरे भरोसे है। गेम और ख़राब हो गई सही में, मतलब संजना का जो काटा गया ना इस मूवी में, संजना मतलब जिससे अफेयर उसका चला था उसका नाम संजना है, और जो उसकी खुद की बीवी है उसका नाम विद्या है, तो तुम्हें भी विद्या ही पसंद आएगी, इसीलिए भगवान, इसीलिए लोग कहते हैं विद्या को पूजो और अपने घर में लाओ, अपने दिमाग में बसाओ, क्योंकि संजना तो दूसरी भी आ जाएगी, विद्या एक ही होती है। और मूवी में जो हमारा लीड है उसका हरामीपंथी का कोई लेवल ही नहीं दिखाया, मतलब वो तुम सोचते हो ना यहाँ झूठ है अब यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ ले जाता है, बीच का गैप ही खा जाता है उनका। अब जैसे संजना को पता चल गया कि इसका एक बेटा भी है तो वो सोचो क्या बहाना मारेगा, वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि मेरा बेटा है क्योंकि मेरी बीवी जो थी मेरे बेटे के आते ही चल बसी। तो सोच रहे हो ट्रॉमा ज़्यादा बंदे को सामने आ रहा है, अरे मैं दुख में हूँ, तुम मेरे को सिंपथी दो, मैं दुख में हूँ, ऐसा फील करा देता है सामने से। और मूवी चेंज होना चालू पता कब करती है, जब वो कॉस्ट्यूम पहनता है राजा वाली और फिर निकलता है चोरी करने। मैं पहली बार तो मैं सोच रहा था कि क्यों वाई ऐसा क्या ही मिल जाएगा, बट ठीक है उसके पीछे के लॉजिक्स मैंने कहा ना जैसे दिमाग में भूसा भरा हो तो कुछ नहीं हो सकता, तो हाँ उसके दिमाग में भूसा भर देती है आंटी, तो उसका मुकुट मुकुट या जो राजा की कॉस्ट्यूम है वो लेके निकलता है स्कूटी पे। वो जो सीन है मोन्टाज बना रखा है पूरा, जब वो गलियों में घूम रहा है वो बढ़िया लगता है। पर मूवी की सबसे बड़ी कमी जो मेरे को पर्सनली लगी वो ये है कि शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितनी ही लंबी खिल रही है, मूवी देखी नहीं जाती है, बट जैसे ही इंटरवल आता है उसके बाद तुम्हें सब इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मूवी को ऐसे ही लिखा गया है। और मूवी में हस्बैंड एंड वाइफ के रोल रिवर्स होते हैं और वहाँ पता चलता है कि रियल इक्वेलिटी ये होती है, विद्या लेके जा रही है अपने चोर हस्बैंड को स्कूटी पर बैठा के और वो बैठा बिल्कुल लड़कियों की तरह, मतलब दोनों पैर एक साइड करके। तो इस मूवी का सटायर अलग लेवल पे खेल रहा है, मतलब अगर चोर चोरी करना छोड़ रहा है तो पुलिस खींच के ला रही है और कह रही है चोरी कर हम हिस्सा बांटेंगे 20-80 करेंगे बट तू चोरी करेगा। तो स्टोरी का जो मेजर ट्विस्ट है वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है एंड ऑफ द मूवी आते आते, बट मूवी जेन्युइनली अच्छी है। जैसे कि एक कैरेक्टर है जो कॉस्ट्यूम देता राजा वाली चोर को,
तो वो आंटी का हरियाणवी डायलेक्ट जो दिया है भाई बिल्कुल ही परफेक्ट, मजा आता है जब वो हरियाणवी बोल रही होती है। और मूवी तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी खरोच खरोच के निकालती है, क्योंकि वो तुम्हें बताती है कि अगर तुमने कहीं पे भी अपने रास बता रखी तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो रास कभी भी घूम के बैकफायर हो सकते हैं। और मूवी के एंडिंग में एक मोनोलॉग आता है जो मूवी के पूरे सारांश को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसका मतलब है कि तुम सच को कितना भी छुपा लो, सच अपने आप सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे 4 झूठ 40 हो जाएंगे, पर सच नहीं छुप सकता। और मूवी लास्ट में बहुत ही तगड़ी सोशल कमेंट्री करती है जो कि थम्स अप है, मजा आता है उसमें, ठीक है। और फिर मूवी हमें चली जाती है छोड़ के ओपन एंडिंग पे कि वो अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहता है, तो उससे दूर हो जाता है और अपने आप को मुजरिम साबित करके पुलिस के पास चला जाता है अपनी जो सजा है उसको भुगतने, और उसके बाद वो जब वापस आता है उसको ओपन एंडिंग पे छोड़ा गया कि क्या क्या हुआ विद्या और उसके प्यार के बीच में। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि नॉन एक्टर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉन एक्टर मेरी नज़रों में नहीं थे, शायद से विद्या का मैंने फेस कहीं देखा हुआ है, तो हाँ वो थी और जो संजना थी उनको देखा हुआ है, बट जो एक्टर है उसको नहीं देखा था, और मज़ा देता है बंदा, ठीक है, जब स्क्रीन पे था वो। तो हाँ, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ इसी चैनल पे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, और मिलते रहना मुझसे अल्फा वर्ल्ड पे, तब तक के लिए बाय बाय।